हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का वाकिया पार्ट वन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की माँ हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी और इनकी बीवी हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पोती थी। इनका नाम रहमत था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बहुत खुशहाल और बहुत दौलतमंद थे। इनके 7 बेटे और 7 बेटियां थीं। 3,000 ऊँट थे, हज़ारों बकरियां थीं, 500 ग़ुलाम थे जिनके बाल बच्चे अलग। इस तरह इनके महल में काफ़ी भीड़ भाड़ चहल पहल रहती। इसके बावजूद ये हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने में लगे रहते। तारीख लिखने वाले कहते हैं कि अगले ज़माने में शैतान आसमान पर जाकर फरिश्तों से बातें करता था, अल्लाह ताला से 50 किस्म की दरख्वास्तें किया करता, कभी उसकी कोई बात कबूल भी हो जाती। जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को पैगंबरी का दर्जा मिल गया और अपनी इबादत और सदकात खैरात में बहुत आगे बढ़ गए, शैतान को उनके यहाँ किसी तरह घुसपैठ करने का न कोई मौका मिलता न उसकी गुंजाइश थी। यही बात देखकर शैतान मन ही मन कूड़ा करता और उनका सख्त दुश्मन हो गया। एक बार उसे गैबी आवाज़ आई कि ए मलऊन, अय्यूब जो सब्र व शुक्र वाला बंदा है उस पर तेरी कोई चाल असर न करेगी। शैतान ने अर्ज़ की ए खुदा, तूने तो उसे दौलत खुशहाली और ताकत दे रखी है, उसकी आँखें उसकी औलाद के दीदार से रोशन है, जब सभी कुछ उसके पास है तो वो शुक्र क्यों न बजा लाएगा। अगर तू ये नेमतें उनसे ले ले तो वो कभी तुझको याद भी न करे और तुम्हारी बंदगी से बेजार हो जाए। इरशाद हुआ, ए इबलीस, तेरा ये ख्याल गलत है, ये मेरा मुखलिस बंदा है। शैतान ने कहा, अगर मुझे उसके माल और औलाद पर तसल्लुत दे दे तब मालूम हो कि उसकी बंदगी क्या है और कैसे होती है, और ये भी मालूम हो कि वो कितनी शुक्रगुजारी में रहता है। हुक्म हुआ, जा अय्यूब अलैहिस्सलाम के माल और औलाद पर मैंने तुझे तसल्लुत दिया। इबलीस की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने अपनी पूरी उम्मत को जमा किया और सूरत हाल बताई। फिर क्या था, कुछ शैतानों ने उसके हुक्म से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बकरियों और मवेशियों को पानी में डुबा दिया। शैतान ग्वाले के रूप में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और बकरियों और मवेशियों के डूब जाने का वाकिया सुनाया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि शुक्र है उस खुदा का जिसने अपनी मेहरबानियों से ये सब कुछ दिया था और फिर वापस ले लिया।
ऐसी ही दीनी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम रिश्तेदारों और दोस्तों में वीडियो शेयर कीजिए।